गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 12 सुभाषित सप्तकम इस लेसन का अभ्यास करेंगे। हम सब जानते हैं आगे भी सुभाषित के दो तीन लेसन आ चुके हैं, तो मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि ये जो सुभाषित है होते हैं स्मॉल, लेकिन उनमें जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और हमको बहुत सारी सीख दे जाता है। तो ये जो सुभाषित सप्तकम, सप्तकम मीन्स सेवन, तो यहाँ जो सेवन सुभाषित दिए हुए हैं उनमें से हर एक जो सुभाषित है, जो श्लोक है, उससे हमको अलग अलग टाइप की यहाँ पर समझ दी गई है। उनमें से क्या क्या हमको हमारे जीवन में उतारना चाहिए, कैसे गुण है, कितने काम हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो इतनी हमें यहाँ से सीख मिलती है। तो ये जो सात श्लोक है उसका ट्रांसलेट मैं वन बाय वन करने वाला हूँ, तो आपको वन बाय वन याद भी रखना है ये ट्रांसलेट। और ये जो मैंने बोर्ड पर ग्लोसरी लिखी है वो 3 टाइम राइट करनी है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो पहला श्लोक है, सनैहि पर्वतलंघनम् सनैर्विद्या सनैर्वितम् पच्चैतानि सनैहि सनैहि। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ जो पांच बात की गई है वो पांच बात, सनैहि मीन्स स्लो, सनैहि मीन्स धीरे धीरे से, धैर्यता पूर्वक, धीरज का होना बहुत ही जरूरी है। ये बात हमको इस श्लोक से सीखने को मिलती है। सनैहि पंथाः, पंथ मीन्स पाथ और वे, मैंने फर्स्ट ही लिखा है पंथाः मीन्स पाथ या फिर वे, जाने का रास्ता। तो कहीं भी जाना हो तो हम धीरे धीरे से बहुत दूर तक चले जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि यस्टरडे ही पूर्णिमा थी, कौन सी, भादोसुद पूर्णिमा, मीन्स जो अंबाजी का जो फेयर लगता है वो, लेकिन ये कोरोना काल में क्या सभी फेयर बंद है, इसीलिए कुछ पता चलता नहीं है। तो वो जो पैदल जाते हैं अंबाजी, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर चलते हैं और फिर अंबाजी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी हमको ऐसा ही कहा है कि सनैहि पंथाः, रास्ता धीरे धीरे से काटना चाहिए। सनैहि कंथाः, धीरे धीरे से गद्दी बनानी चाहिए। तो कंथाः मैंने यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा है, लेकिन कंथा मीन्स जो हम बैठने के लिए जो आसन लेते हैं छोटा सा, वो गद्दी, जो वेस्टेड कपड़े से बनाई जाती है वो ही। अगर वो हम फट फट से सीकर क्या करते हैं, वो बनाते हैं, तो जो सुई है वो हमारी उंगलियों में घुसने की घुस जाती है और फिर खून भी आ सकता है, हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। इसीलिए ये जो गद्दी है वो भी धीरे धीरे से ही करनी चाहिए, तो ही अच्छी बनती है, वरना फिर हमको हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। इसीलिए दो काम धीरे धीरे से करने चाहिए। और नंबर थर्ड है, सनैहि पर्वत लंघनम मीन्स धीरे धीरे से या धीरे धीरे चलकर ही पर्वत पर हम चढ़ सकते हैं, जैसे कि गिरनार। गिरनार के 9999 स्टेप है। तो वो कैसे चढ़े जाते हैं, धीरे धीरे से हम शांति से ही चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो ये दौड़े और ये चढ़ गए, कभी भी हम नहीं चढ़ सकते। इसीलिए पर्वत भी हमको अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो कितनी धीरज रखनी चाहिए, बहुत ही धैर्यवान पुरुष ही वो सर कर सकते हैं, हमारे जैसे नहीं। सनैहि विद्या, तो विद्या का भी ऐसा ही, वो धीरे धीरे ही हम में आती है, हम धीरे धीरे ही ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम 6 या 7वीं साल में 12वीं कक्षा पास कर देते हैं, कर सकते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते। जितना 12वीं कक्षा पास किया हुआ जो लड़का है या लड़की है उसमें जितना ज्ञान होता है, वो 6 या 7 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अगर 12वीं की एग्जाम पास कर ले तो वो मैच्योरिटी जो है वो उसमें नहीं आती, ये बात यहाँ पे की गई है। तो जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो
धीरे धीरे से ही हम में आता है और हमें पढ़नी चाहिए। सनेर वितम, वितम मीन्स धन, ओके, पैसे रुपये। तो ये भी जो रुपयों कमाने का जी बाबत, कमाने की जो बाबत है वो भी धीरे धीरे से ही होती है, पैसे भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं और हम कमा सकते हैं, ओके। पंचयतानि शनैः शनैः, ये जो पांच बाबत है वो धीरे धीरे से ही करनी चाहिए, उसी में ही हमारी भलाई है, ओके। तो फर्स्ट श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ। शनैः पन्थाः, धीरे से पथ कापना चाहिए, रास्ता काटना चाहिए। शनैः कन्थाः, धीरे से गद्दी बनानी चाहिए। शनैः पर्वत लंघनम्, धीरे से पर्वत पार करना चाहिए। शनैः विद्या, धीरे से विद्या ग्रहण करनी चाहिए। शनैः वित्तम, धीरे से पैसे कमाने चाहिए। ये पांच बाबत हमें धीरे धीरे से करनी चाहिए। नंबर सेकंड, शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रहम अचौरहरणीयानि पंचैतान्यक्षयो निधि। बहुत ही सेकंड नंबर का भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखो यहाँ पे जो पांच बाबत की गई है वो कैसी है, स्टॉलन ही ना हो कभी, कैन नॉट स्टॉलन, ओके। देखो अचौर हरणी कैन नॉट बी स्टॉलन, वो कभी भी कोई चोरी चोर चोरी कर सकता नहीं है, ऐसी बाबत है। तो कौन सी है हम देखते हैं, सीलम मीन्स हमारा चारित्र चैरेक्टर, ओके। सौर्यम, यहाँ पे संधि है, सौर्यम प्लस अनालस्यम, सौर्यम मीन्स बल, ओके, ताकत। फिर अनालस्यम मीन्स उद्यमशीलता, हम जो वर्क करते हैं वो, ओके, या फिर आलस आलसी इंसान की यहाँ बात नहीं की है, जो आलसी नहीं है वो उद्यमी पुरुष की बात की है, वर्क जो करता है उसकी बात की है। फिर पांडित्यम मीन्स चतुराई, ओके, बुद्धिशाली व्यक्ति। और मित्र संग्रह, और मित्रों का संग्रह, अच्छे मित्रों का संग्रह, ये पांच बाबत है वो अचौर हरणियानी, ये पांच बाबत जो है वो चोर चोरी कभी नहीं कर सकता। और अक्षय निधि ही, निधि मीन्स ट्रेजर, ओके, खजाना। तो ये अखूट खजाना है, जो कभी खुटने वाला नहीं है वैसा खजाना है, और कोई चोर चोरी भी नहीं कर सकता है, ओके। नंबर थर्ड, सहति श्रेयः श्रेयसी पुंसाम विगुणेश्वसी बंधुषु तुषैर अपि परिभ्रष्टाः न प्ररोहन्ति तण्डुलाः। विगुणेषुपि बंधुषु श्रेयसी पुंसाम सहसी, ऐसे हम विग्रह करके ये ट्रांसलेट करेंगे। विगुणेषु यानी कि विरोधी गुण, हमारे और सामने वाले के दोनों के गुण कैसे हो, विरोधी हो, ओके। एक बात बाबत है जिसमें हम हाँ कह रहे हैं वो ना कह रहा है, तो ये विरोधी गुण हुआ, ओके। तो कि विरोधी गुण जिस हमारे संबंध भी में है, फिर भी जहाँ इंसानों में एकता कल्याणकारी होती है, ओके, विरोधी गुण वाले अगर इंसान सब है, हमारे सगे वाले हमारे रिलेटिव है, फिर भी उन जो वो सभी लोगों में एकता है वो कल्याणकारी है, ओके। सब अलग अलग टाइप की है लेकिन सब एक हो जाए तो वो कल्याणकारी है, ओके। लेकिन इसमें क्या है, तुषैरैः अपि हि मीन्स परिभ्रष्टाः प्ररोहन्ति तण्डुलाः। तुषैरैः अपि मीन्स डागर के जो छिलके होते हैं, ओके, डागर के जो छिलके होते हैं वो उससे अलग हुआ हुआ जो चावल है वो कभी भी उग नहीं सकता, ओके। जो राइस है चावल का दाना, वो उगाए हम बोए तो कभी वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर से जो छिलका है डांगर का वो निकल गया है। पूरी डांगर होती तो शायद से वो राइस का जो छोड़ होता है, प्लांट होता है, वो उग सकता है। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या है कि हम अगर एक रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, ओके। लेकिन जैसे ही हम अपने रिलेटिव से, हमारी फैमिली से अलग हो जाते हैं तो फिर हमें कोई बचाने को नहीं आएगा, ओके। तो हमें एक रहना है और फैमिली में ही रहना है, ये हमें यहाँ से सीख मिलती है। नंबर फोर, नास्ति मेघ समम जलम, सॉरी, नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति
चात्म समम बलम नास्ति, चक्षु समम तेजो नास्ति, धान्य समम प्रिय। मीन्स बारिश के जैसा कोई पानी नहीं है, मेघ मीन्स बारिश या बरसात या बादल, ओके, बारिश के समान कोई पानी नहीं है। च आत्म समम बल, यानी कि आत्मा के जैसा कोई बल नहीं, हमारी आत्मा अगर मजबूत हो जाए तो हम कैसे भी दुबले पतले क्यों ना किसी से भी फाइट लड़ाई कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, ओके, ये बात कही है यहाँ पे। नास्ति चक्षु समम तेजो हो, हमारी आँख है उसके समान कोई तेज नहीं, क्योंकि हम जो देखते हैं वो ही सच है, किसी दूसरे की आंखों से या दूसरे के नज़रिए से हमें देखना नहीं चाहिए, ओके। नास्ति धान्य समम प्रियम, और धान्य मीन्स ग्रेन्स, ओके, अनाज के जैसा कोई प्रिय वस्तु नहीं है। नंबर 5, सत्यम तपो ज्ञानम हिंसताम च वित्त प्रणामम च सुशीलताम च एतानि यो विदधाति स विद्वानः न एकः पक्षो विहगः प्रयाति। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे सत्यम मीन्स सत्य, ट्रूथ, तपो मीन्स तप, जो तप करते हैं वो, ज्ञानम तो नॉलेज, अहिंसा अहिंसा, और विद्वत प्रणामम यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं उनको बॉट डाउन करना, उनको नमन करना, प्रणाम करना, ओके, और सुशीलता यानी कि ग्रेट कैरेक्टर, ओके, बहुत ही अच्छा चारित्र। एतानि यो विदधाति स विद्वान, जो व्यक्ति ये सब करता है या फिर जानता है वो ही विद्वान है, वो ही बुद्धिशाली है, ओके। न एक पक्ष विहगः प्रयाति, यानी कि एक पंख के सहारे पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता, ओके, क्या है, एक पक्षी वाला सॉरी एक पंख वाला पक्षी कभी आकाश में उड़ नहीं सकता, तो इनमें से पांच में से कोई भी एक ना हो तो भी वो अच्छा इंसान नहीं कहलाया जाता, ओके, ये बात कही गई है। नंबर 6, काष्ठादग्नि जायते मध्यमनात् मानात् भूमिस्तोयम् खन्यमाना ददाति सोत्साहानाम् नाच्य साध्यम् नराणाम् मार्गरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। नंबर 6, लकड़ी को लकड़ी से घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है। आप डिस्कवरी चैनल पर भी देख रहे होंगे वो जो फॉरेस्ट लीव होती है कि जंगल में एक दो रात अगर हम फंस जाए तो कैसे बितानी चाहिए, तो उसमें मैन ये जो अग्नि है, आग है, वो कैसे जलाई जाए ये सब बताते हैं। तो क्या पता है आपको मालूम है, एक बड़ी लकड़ी लेते एक छोटी और फिर उसमें यूं यूं घिसते हो तो फिर उसमें से क्या चिंगारी निकलती है और फिर आग पैदा करते हैं और फिर अपनी लाइफ बचाते हैं, ओके। तो ये बात कही कि लकड़ी को लकड़ी से घिसने से अग्नि उत्पन्न होती है, ओके, या फिर वो लकड़ी अग्नि हमें देती है। फिर दूसरा है, भूमिस्तोयम् खन्यमाना ददाति, धरती को खोदने से वो पानी देती है। सुहासानाम् नास्य साध्यम् नराणाम्, सुहासानाम् जो उत्साही पुरुष है, जो लोग है उस उनके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है, न असाध्य नराणाम्, ओके, तो उनके लिए कोई भी जो कार्य है वो असाध्य नहीं, वो करके ही रहते हैं काम। मार्गरब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, यानी कि अच्छी तरह शुरू करने वाले सभी काम प्रयत्न करने से सफल होते हैं, ओके। अगर हम काम ही नहीं करते या शुरुआत ही नहीं करते तो कार्य कैसे सफल होगा, अच्छी तरह अच्छे प्रयत्न करने से ही हमारा कार्य है वो सफल होता है, ओके। नंबर 7, पात्रम न तापयति नैवम मलम प्रसूति, स्नेहम न सहर्ति नैवम गुणा क्षीणोति, द्रव्यावसना समये चलताम न दते सत्पुत्र एष कुलसमग्री कोपी दीपः। यहाँ पे भी जो कुल दीपक है, जो पुत्र है उसकी बात की है और एक दिए की, दीपक की बात की है, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा है कि सद्गुणी पुत्र, लास्ट लाइन है जो हमें फर्स्ट लेनी है, ओके, सदपुत्र ऐसा कुल समग्री कोपी दीप, मीन्स सदगुणी पुत्र कुल रूपी भवन में एक दीपक है
या देव समान है। तो कैसा? वो पात्रम न तापयति, वो पात्र को गर्म नहीं करता। दिया आपको मालूम है कैसे, एक कटोरी जैसा जो मिट्टी का बना दिया आता है उसमें हम करते हैं, तो वो पात्र है। तो वो अगर हम दिए लौंग लेके जलाकर दिया करते हैं तो वो कभी तपता नहीं है। ओके, मींस यहाँ पे जो पात्र है वो कौन है? माँ बाप है, तो माँ बाप को कभी गुस्सा नहीं करता, ऐसी बात है। नैव मलम प्रसूति, काजल को उत्पन्न नहीं करता, कुछ बुरा काम नहीं करता, जो कुल रूपी दीपक है वो। ओके, उनकी बात की गई है। स्नेहम न संहरति मीन्स स्नेहम खत्म नहीं होने देता, स्नेह मीन्स तेल या घी। ओके, या फिर जो हमारा प्रेम है माँ बाप का वो कभी खत्म नहीं होने देता। नैव गुणा क्षीणोति, या फिर जो गुण है, जो दोरी है जिससे दिया जलता है वो कभी खत्म नहीं होने देता, उसको जलाकर राख नहीं कर देता, मीन्स हमारे माँ बाप को वो कभी मारता नहीं है। ओके, द्रव्यावसना समय चलताम न दते, और वो क्या कहते हैं, गुणों को कभी कम भी नहीं करने देता। तो ऐसे गुण होते हैं कुल रूपी दीपक समान पुत्र में, ये हमें बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 12 नंबर जो सुभाषित सप्तकम है, यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसलेट खत्म किया, फिनिश किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्लोसरी है वो अपनी नोटबुक में 3 times राइट करनी है, और उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।